अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाता है, लेकिन बेटियां कभी कभी नाम रोशन इतना कर देती हैं कि उनके नाम की कीर्ति फैल जाती है। इधर कंस का जन्म हुआ और कंस धीरे धीरे चंद्रमा की कला की तरह शीघ्र शयाना हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को सताने लगा, जवान हुआ, अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं जाकर के राजगद्दी पर आसीन हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। समय व्यतीत हुआ तो एक बार दरबार में मंत्रियों के द्वारा सुना है कि उनकी बहन चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, देवकी विवाह के योग्य हो जाती है। कहा कि आपकी बहन देवकी जो है विवाह के योग्य हो गई, ऐसा करो सुंदर सा वर देख करके उसके पीले हाथ कर दिए जाएं तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो मंत्रियों ने सलाह दी है कि भैया कहां तुम वर देखने के लिए जाओगे, बटेश्वर के राजा बसदेव जो है ना उनके लिए ही तुम अपनी बहन का विवाह रचा दीजिए। पहले राजा महाराजाओं की कई कई शादियां हुआ करती थी, बटेश्वर के राजा बसदेव के लिए पत्रिका लिखी गई और पत्रिका लिखवा करके, क्योंकि राजा कंस का अत्याचार फैला हुआ था, सभी राजा थर थर से कांपते थे उसका नाम सुनकर के। पत्रिका पहुंची, बसदेव तुम्हें फलाने फलाने दिन यानी बारात को लेना लेकर के आना है, हमें अपनी बहन का विवाह यानी आपके साथ रचाना है। इधर बसदेव जो है कुछ समय के बाद कंस के दरबार में महलों में यानी बारात को लेकर के आए। सभी रीति और रिवाजों के साथ में देवकी और बसदेव का विवाह हुआ। बसदेव का विवाह हुआ और हर बेटी की जब विदाई होती है, पुराने जमाने में माताएं जब अपनी बेटी की विदाई करती थी ना तो एकांत में बैठाल करके अपनी बेटी को शिक्षा देती थी। बहुत सुंदर शिक्षा देती थी कि हे बेटी ऐसा मत करना, अपने पिता का नाम रोशन करना, सास और ससुर की सेवा करना, क्योंकि यहाँ पर तुम सास माता और पिता को छोड़ करके जा रही हो, वहां तुम्हें माता पिता सास और ससुर के रूप में प्राप्त होंगे। जो बेटियां अपनी भाभियों से कहती हैं, जो बेटियां अपनी भाभियों से कहती हैं, अरे तुम मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर रही हो, लाओ हमें दे दो हमारे माता पिता, हम इनको खिला लूंगी और पहना लूंगी, बात अच्छी लग रही होगी ना। लेकिन एक बार दो मिनट के लिए विचार करके देखिए आप कि जो प्रश्न आप अपनी भाभियों से करती हो वो प्रश्न अपने ऊपर उतार करके देखो। तुम अपने माता पिता जन्म देने वाली मैया की सेवा कर सकती हो तो क्या तुम्हारे जो सास और ससुर हैं तुम उनकी सेवा नहीं कर सकती? क्यों? और ये हमने देख लिया है समाज में रह करके, शादी के बाद जो लड़की अपनी माँ से बात करेगी दिन और रात वो अपने परिवार को कभी चला नहीं सकती। लालची हुई तो बेटी को लालची ही सिखाएगी, अगर बेटी माँ ने माता पिता की सास और ससुर की सेवा नहीं तो बेटी को यही सिखाएगी, वो कभी अपने परिवार को नहीं चला सकती। अगर माँ सही है तो बेटियों के विचार ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। माँ शिक्षा, क्योंकि माँ ही बेटी की प्रथम गुरु होती है।
जा रही है, क्योंकि आजकल पहले के जमाने में दहेज कम था, आजकल दहेज चलने लगा है। अगर 10 लाख की शादी ना हो तो 5 लाख वाली शादी तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, लास्ट सिटी 5 लाख वाली शादी लास्ट सिटी हो गई। जो 10 लाख 20 लाख का दहेज लेगा तो बहुओं से सेवा का खाक कराएगा, है? खाक नहीं करेगी, वो 10 और 20 लाख लेकर के आएगी, उसी पर तनी रहेगी। अगर सेवा करानी है तो इस दहेज को कम कर दीजिए, क्योंकि उनकी माताएं ये कहकर के भेजती है कि बेटी तू चिंता ना करना, तेरी सास ज्यादा कनन कनन ना करे तो तेरे बाप ने गैस दी है, अलग गई रखी है चूलो और बनाई खाइए, और ज्यादा करे तो मेरे लिए फोन लगा लियो, हम सब समझा देंगे, उन्हें होश सिखा देंगे 2 मिनट में। ये माताओं के सवाल होते हैं, ये माताओं के सवाल होते हैं। लेकिन हे मेरी मैया, बेटियों का बर्बाद तो तुम ही बर्बाद करती हो, बेटियों का बर्बाद बेटियों के घर में आग तुम ही लगाती हो, क्योंकि मैंने सब देख लिया है, मैं भी एक परिवार से हूं। जमाने में अगर बेटी का परिवार स्वर्ग बनाते हुए बनना देखती हो चाहती हो तो बेटियों से बात करना नहीं, उतनी बात करो, ये मत पूछो क्या खाया, कितनी चीज है तुम्हारे गले में, कितना कितने कपड़े मिले हैं, ये पूछना तुम्हारा काम नहीं रहा, क्योंकि तुमने बेटी का दान कर दिया। खिलाना पिलाना सास और ससुर की बात है, अगर तुम्हें खिला पिला लेती बेटियों का जीवन तुम्हें काट देती तो तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं थी। आएंगे, आज देवकी की विदाई हो रही है, लेकिन एक प्रश्न बड़ा सुंदर आता है, मेरी माताओं जब बेटी की विदाई होती है एक बेटी कहती है कि मुझे माँ से गिला